सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे न्यू बॉलीवुड मूवी दो और दो प्यार की ओटीटी रिलीजिंग अपडेट के बारे में। ये मूवी आपको आफ्टर सिनेमा रन के बाद कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाएगी और कब तक देखने को मिलेगी सब बताएंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्या बालन, प्रतीक गांधी, सेंथिल रामामूर्ति और इलियाना डी क्रूज स्टारर मूवी दो और दो प्यार, जो कि इसी साल 19 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज कर दी गई है। मूवी को ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं और अगर हम बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो ये है 7.2 out of 10। स्टोरी की बात करें तो आपको इसमें एक कपल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपस में ब्रेकअप करना चाहते हैं और उसके बाद इनकी लाइफ में क्या कुछ होता है यही सब कुछ देखने को मिलेगा आपको इस मूवी में। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसको आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, लेकिन इस मूवी को पहले ही दिन बाय वन गेट वन के ऑफर के साथ इस मूवी को लगाया गया थिएटर्स में, लेकिन फिर भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। मूवी ने पहले ही दिन सिर्फ और सिर्फ 80 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है और आने वाले दिनों में भी ये मूवी कुछ ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाएगी। तो अगर आपने ये मूवी थिएटर्स में मिस कर दी है या फिर आप इसको मिस करने वाले हैं तो हम आपको बता दें ये मूवी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी आफ्टर सिनेमा रन के बाद। अगर हम बात करें इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में, ये आपको ओटीटी पे कब तक देखने को मिलेगी, तो ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 14 जून को देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, ये मूवी आपको 14 जून को देखने को मिलेगी। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते तो इस मूवी को अभी जाके थिएटर्स में एंजॉय कर सकते हो। तो यही थी दो और दो प्यार की ओटीटी रिलीजिंग अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही और वीडियो देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। हम आपसे मिलते हैं ऐसे एक न्यू ओटीटी अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।